हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। आपके लिए हम लेकर के आए हैं हमारे प्रैक्टिकल का वीडियो नंबर 4। आज हम लोग देखेंगे बेरियम कोलाइड और सोडियम सल्फेट के बीच का रिएक्शन। हम लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रिसिपिटेशन का एक एग्जाम्पल है। तो इस प्रैक्टिकल को हम लोग पूरा देखेंगे, पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर आपके लिए हम प्रैक्टिकल लेकर के आए हैं। हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये बेरियम कोलाइड है, सोडियम सल्फेट है, और देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये कैसे रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास किस चीज की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग लिए हैं बीकर, दो बेरियम क्लोराइड लगभग 3 ग्राम, सोडियम सल्फेट लगभग 3 ग्राम, और एक स्टेरर स्पैचुला और हम लोग कोनिकल फ्लास्क, ये मेरा एडिशनल है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं होगी। और सॉल्यूशन के लिए हम लोग ले लेंगे हैं डिस्टिल वाटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो डिफरेंट बीकर्स में बेरियम क्लोराइड का इक्वल सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो ये मेरा बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, और इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक और बीकर लेते हैं, उस बीकर में हम लोग सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर में, किसी भी एक बीकर में दूसरे बीकर का सॉल्यूशन को पॉर करते हैं। आपको ध्यान देना होगा, जिस समय हम लोग अभी प्रैक्टिकल करेंगे, तो ये एक सुपर फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कैरी कर जाता है। जैसे ही इसको डालेंगे, इसका जो कलर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मिल्की वाइट, देखने में आपको दूध की तरह नजर आएगा। अब इस जो सॉल्यूशन है, ये जो हमारा प्रोडक्ट मिक्सचर है, इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग छोड़ दें तो मेरा ये नीचे में वाइट पीपीटी प्रिसिपिटेट, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये मेरा बच जाएगा। ये जो होगा, ये हमारा होगा बेरियम सल्फेट का, और ऊपर में जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन जो बचेगा, ये हमारा होगा एक्वस सोडियम क्लोराइड का। तो अब हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को थोड़ा देख लेते हैं, ये कौन सा रिएक्शन काम कर रहा है। तो हम लोग देखें जरा, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ये रिएक्शन करेगा। तो ये मेरा कैसा है, एक्वस है, ये कैसा है, एक्वस है। रिएक्शन करने के बाद यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं, ये मेरा इधर लिख दे रहे हैं बेरियम सल्फेट। चलिए, तो रिएक्शन करने के बाद मेरे पास बनेगा सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, ये हमारा हो जाएगा कलरलेस, लेकिन जो बचेगा ये हमारा BaSO4 है, ये हमारा बनेगा वाइट PPT। तो ये हमारा रिएक्शन का जो है वो इक्वेशन है। इस केस को थोड़ा हम लोग देखते हैं जरा, ये कौन सा रिएक्शन कैरी करेगा। बेरियम पे डबल प्लस, क्लोरीन पर सिंगल माइनस, क्लोरीन 2 है इसलिए 2 माइनस के जैसा ये कैरी करेगा। इसमें हुआ क्या है, बेरियम का क्लोराइड आयन और सोडियम के साथ सल्फेट आयन है, सोडियम क्लोराइड के साथ आयन बनाया, क्लोराइड आयन के साथ कंपाउंड बनाया, और बेरियम सल्फेट के साथ बनाया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ रेडिकल्स है। तो टाइप्स अगर पूछा जाए तो ये कौन टाइप का रिएक्शन है, तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आपको याद होगा कि ये 3 तरह के होते हैं, एसिड बेस रिएक्शन, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ये हमारा एग्जांपल प्रिसिपिटेशन का है, और एक और हम लोग जो पढ़े थे वो था हाइड्रोलाइसिस।
तो हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मेरा थ्योरी क्लास और वीडियो देख लेंगे, उसमें आपको और भी डिटेल्स आ जाएंगे। आज तो हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास ये व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा और हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं जरा। ये हमारा बेरियम क्लोराइड है और ये मेरा सोडियम सल्फेट है, आप देख रहे होंगे। इस दोनों में से हमने थोड़े थोड़े एक वॉच ग्लास में निकाल के रखा है। ये बेरियम क्लोराइड का पाउडर दिख रहा होगा आपको और ये आपका सोडियम सल्फेट का। एक काम करते हैं, सबसे पहले इस बेरियम क्लोराइड के बारे में समझाते हैं। कंपनी जब इसको बना रखा है तो एक लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे क्रॉस का साइन दिया हुआ है। ये क्रॉस का साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि इसको खुले हाथ से स्किन से अलग रखने का। यहाँ लिखा हुआ है अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ स्किन, यूज प्रोटेक्टिव वियर्स, डू नॉट गेट आइज स्किन एंड क्लॉथिंग। तो क्रॉस का मार्क का निशान समझ लिया। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ नहीं, पूरा प्लेन है, दैट मीन्स ये सेफ है। तो फिलहाल हम लोग इस स्पैचुला के हेल्प से इसको हम लोग क्या किए हैं कि दो वॉच ग्लास में लिए, आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंट दो बीकर में हमने ले रखा। एक हमारे पास बेरियम क्लोराइड है, आपको अगर पढ़ा रहा होगा तो दिख रहा होगा। दूसरा हमारे पास सोडियम सल्फेट है। अब इस दोनों को हम लोग डिस्टिल वाटर डाल करके एक्वो सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ये मेरा एक्वो सॉल्यूशन किस चीज़ का रहा, बेरियम क्लोराइड का। और देखिए ये आपको कलरलेस इसके बारे में पहले बता रखा था। और एक यहाँ इस बीकर में हमने थोड़ा सा सोडियम सल्फेट लिया, इसमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर लिया और इसको थोड़ा सा हमने हिला दिया। एक बात तो पता चला कि दोनों वाटर में सॉल्युबल है और दोनों कलरलेस सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा होगा, एक बेरियम क्लोराइड का, दूसरा सोडियम सल्फेट का। अगली बार हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर के सॉल्यूशन को दूसरे बीकर में पॉर करेंगे और एक सुपर फास्ट रिएक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाएगा। जैसे ही गिरेगा ये पूरा का पूरा कलर कैसा हो जाएगा, मिल्क वाइट हो जाएगा। और हमने देखा, ये देखिए आपके पास आर्टिफिशियल मिल्क तैयार हो गया। हालांकि ये केमिकल है, लेकिन जादू दिखाने में बहुत सारे लोग इसको जादू दिखाते हैं कि पानी मिला करके दूध कैसे तैयार करते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा देर 15 मिनट 20 मिनट के लिए रख देंगे, तो इसमें जो मेरा व्हाइट प्रिसिपिटेट है वो पेंदी में बैठ जाएगा, यानी कि नीचे में सेटल्ड हो जाएगा, वो मेरा बेरियम सल्फेट होगा। थोड़ा देर पहले हम इसी क्वेश्चन रिएक्शन को करके रखे थे और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बेरियम सल्फेट नीचे में बैठा हुआ है, अब दिख रहा है। तो आप देखिए कि कैसे ये सेटल हो जाएगा। ऊपर में जो सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा है वो सोडियम क्लोराइड का एक्वो सॉल्यूशन है। तो आज हम लोग क्या देखें, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। उम्मीद है कि ये प्रैक्टिकल आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।